हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है तो मास्क मैंने पहन रखा है और हेलमेट मैं नहीं उतार रहा हूँ, ऐसे ही ब्लॉगिंग कर ले रहा हूँ ताकि बार बार अनसेफ ना रहे। तो आज का कंपैरिजन टेस्ट जो है वो इन दो बाइकों का है। यहाँ पे हमारे पास है ड्यूक 200 और यहाँ पे हमारे पास मेरी आर एस 200 है। ये BS4 है, ये BS6 है। इसकी टॉप स्पीड बढ़ चुकी है, इसकी टॉप स्पीड घट चुकी है, 145 तक जाती है। लेकिन स्टे ट्यून्ड, जब ज़रूरत होगी ना रॉकेट बना दूंगा मैं इसे। अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे ही चला रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा इनिशियल अच्छा चाहिए था इसलिए ऐसे चला रहा हूँ। जिस दिन रॉकेट बनाना होगा ना 200 पहुँचा दूंगा, ठीक है। आज इन दोनों का कंपैरिजन टेस्ट करेंगे हम यहाँ पे और देखेंगे कि दोनों के क्या रिजल्ट रहते हैं, RS कितना गैप मेंटेन कर पाती है और क्या ड्यूक 200 स्टार्टिंग में निकल पाती है। ये सब आप देखोगे वीडियो में और वीडियो होने वाला है सत्यम के साथ। आजकल सत्यम मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, एकदम बैक टू बैक। देख लो तहलका मचाएंगे एक दिन ये। और हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं सूरज भाई एक सुपर बाइक ले लो, एक सुपर बाइक ले लो, तो मैं सोच रहा हूँ XL 100 निकलवा ही लेता हूँ। समझ रहे हो ना, वैसे धमाका होने वाला है बहुत जल्द, वेट करते रहो। मैं धमाके बताता नहीं हूँ, सीधे बम फोड़ता हूँ, स्टे ट्यून्ड। सो अभी मैं चलाने जा रहा हूँ ड्यूक 200 और सत्यम चलाने जा रहा है मेरी पल्सर RS 200। देखते हैं कितना गैप मेंटेन कर पाता हूँ मैं और क्या रिजल्ट रहता है। राइडर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट अगर आपको एक कंपैरिजन देखना है तो कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सी बाइक फास्ट है, बट शिफ्टिंग भी मायने रखती है थोड़ी सी, बाकी आप समझ ही जाओगे। अब चले, अरे पहले निकल लेते हो तुम, पहले निकलते हो, चीटिंग करते हो, चीटिंग करता है तुम। क्या बात है, सत्यम पीछे मिरर में, सत्यम ने मेरी बाइक को पीछे रखा है। क्या बात, 135-136 सत्यम निकल नहीं पाया बगल में। क्या सूरज भाई, अरे अरे सत्यम क्या कर रहे हो, घर बेइज्जती। मेरा लिमिटर आ गया, अब ये निकलेगा। अरे सत्यम, ये क्या है, अरे निकलो भैया निकलो, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे निकलने का। आए, ये तो निकल ही नहीं रहा है। ये क्या है यार, बेइज्जती करा दी तुमने। सत्यम तुमने बेइज्जती करा दी यार, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है सत्यम, ये तुमने यार क्या किया, ये तुम हुआ क्या। तो यहाँ सत्य मुझे बिल्कुल भी पीछे नहीं कर पाए, राइडर स्विच करो पहले तुम, RS को हरा दिए यार तुम, यार तुम यार। क्या सत्यम क्या कर रहे हो तुम, मौज कर दी बेटे, बेटे मौज कर दी।
तुमको क्या बताए अब हम, की क्या अब यहाँ मुझे पप्पन पिल्लू को बुलाना पड़ेगा। जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ होता है पप्पन पिल्लू। इधर आओ पप्पन। मैंने ड्यूक चलाई, मैं ड्यूक से जीत गया। मैंने आरएस चलाई, मैं आरएस से जीत गया। मैं इससे अच्छी क्या है? पैसा वैसा लो, ट्रॉफी वॉफी लो इनसे, ट्रॉफी वॉफी क्या तो इंतजाम करा। तो आप लोगों ने इस रेस में देखा कि मैं जो गाड़ी चला रहा था मैं जीत रहा था। भाई शिफ्टिंग की बात होती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शिफ्टिंग में प्रो होना चाहिए, और प्रो बहुत कम ही बंदे हैं लखनऊ में। बाकी आप जानते हो भाई प्रो कैसे होते हैं। अब हम लेके आए पप्पन पिल्लों को अपने साथ, क्योंकि वो हार चुके हैं दो रेस, तो इन्होंने कहा मुझे मौका दिया जाए, तो आज इनके पास मौका है पप्पन पिल्लो। और बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि पप्पन पिल्लो भाई का चैनल होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि पप्पन पिल्लो भाई का चैनल बनने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पप्पन भाई के चैनल का लिंक है। अगर 1000 सब्सक्राइबर इनके हो जाते हैं तो ये वीडियो बनाना शुरू करेंगे, इन्होंने ऐसा कहा है। बाकी वीडियो ये फनी स्टाइल में बनाएंगे, अपनी इनकी अलग स्टाइल होगी, अपनी इनकी अलग दुनिया होगी। जितने भी इनके फैन हैं वो इनको जाके फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पप्पन पिल्लू आ गया। ओ भाई, इसे कहते हैं भोपाल। अरे पप्पन, अरे मेरी जान पप्पन पिल्लू। ये दे रहा है चक्कर, क्या बात है पप्पन। इधर आ रहा है पप्पन का स्पीडो एरर मैन, स्पीडो एरर क्या है पप्पन। ओ भाई साहब, ये बैटल तो अमेजिंग है। क्यों आरएस के बगल में है भाई, चल मैं तुझे एक मौका और दूंगा। अभी देखा भाई साहब, ये स्टार्टिंग में निकला लेकिन फिर से बराबर में आ गया। इसे एक मौका और दूंगा मैं। पप्पन नो आई डोंट, मैं तुम्हें बगल में रख रहा था। तुम अपने बगल में रख नहीं रहता है, तो इसमें 146 का लिमिटर लगा है। जैसे 146 पहुंचती पीछे कर दे। अगर तुम स्टार्टिंग में अच्छा लॉन्च कर ले गए तब तो तुम आगे रहोगे, क्योंकि लिमिटर इसका भी हिट कर रहा था, लिमिटर उसका भी हिट कर रहा था, इसीलिए दोनों बगल में थे। लेकिन अगर दोनों बराबर नहीं रख पाए तुम तो तुम पीछे हो जाओगे। लेकिन दोनों बराबर थे। बराबर इसलिए थे क्योंकि थोड़ा सा मौका मैंने तुम्हें दिया था। अब तुम एक बार और ट्राई करो बढ़िया शिफ्ट करने की, क्लचलेस शिफ्टिंग मारो, सब करो, लेकिन आगे निकल जाना स्टार्टिंग में। चले बढ़िया शिफ्टिंग करना एकदम चीर फाड़ के। क्या बात है, इस बार की है इसने शिफ्टिंग। अरे चल धन्नो, तगड़ा कंपटीशन है इस टाइम ये। बहुत तगड़ा कंपटीशन है। ओ भाई साहब, अरे बहस की आप, ओ माता चीना,
अरे तो कंपटीशन बहुत ही गजब था, बहुत अमेजिंग था, बहुत लाजवाब था भाई साहब, क्या टक्कर दी है। लेकिन अच्छा लॉन्च किया पप्पन पिल्लो ने, पहले से बहुत बढ़िया लॉन्च किया, इस बार आगे रहा। तो यहाँ पे अगर हकीकत की बात करें तो ये फास्ट है इससे, बट अगर आप बहुत बढ़िया लॉन्च करते हो तो यार ड्यूक में भी कम पावर नहीं है, बहुत अच्छी पावर है, आपने देखी कितनी गजब पावर है और बहुत रिफाइंड चल रही है, मज़ा ही आ रहा मुझे चला के, मन कर रहा है इसको दो चार दिन घर पे रखूँ, चलाऊँ, मज़े लूँ इस बाइक के। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको मज़ा आया होगा और पप्पन पिल्लो इंतजार कर रहे हैं अपने 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो सब्सक्राइब करो चैनल को यार, 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो फिर मैं अपने चैनल पे कुछ डालूंगा यार, अदरवाइज के लिए क्या डालूं, फिर तो 1000 हो जाए तो कुछ मजा भी आएगा, हाँ चलो ठीक है 1000 लोग जानते तो कम से कम कोई देखने वाला तो हो, देखने वाला तो हो, पता चल रहा है कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक वीडियो डाला एक व्यू आ रहा है, यार क्या मतलब है यार, खुद ही का वो भी है, खुद देख रहे हैं बार बार व्यू बढ़ा रहे, मैं खुद ही देख के व्यू बढ़ाऊंगा तो क्या मतलब रह जाएगा यार भाई। तो जल्दी से इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड एंड ड्राइव सेफ।